नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, एक कहानी की हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो शिक्षा के सहित DL.ED कोर्स बिहार के द्वारा संचालित हो रहा है, उसका एक पार्ट है, या हम कह सकते हैं उसमें इंक्लूड किया गया है। इस कहानी का शीर्षक है इतवा मुंडा ने लड़ाई जीती, और इस कहानी की रचयिता महाश्वेता देवी है। मित्रों, यह कहानी इतवा मुंडा ने लड़ाई जीती महाश्वेता देवी द्वारा लिखी एक कहानी जो हमें संस्कृति की यात्रा करवाती है, जिसे हम विकास के शोर में अनदेखा करना चाहते हैं। कहानी बताती है कि अनदेखा किए जाने के प्रक्रिया का इतिहास बहुत ही लंबा है। सचमुच मित्रों, इस कहानी के माध्यम से अगर हम देखें या चर्चा करें या उसे हम वर्णन करें, तो इसमें दो बातें मिलती हैं। एक कहानी को हम देखें देखा जाए तो दो संस्कृतियों का इसमें वर्णन है, और ये संस्कृतियाँ प्रकृति से भिन्न समझ के साथ जुड़ी हुई है। इस समझ में प्रकृति के दो तरह की अवस्थाओं के दर्शन भी मिलते हैं। इतवा के भीतर उठने वाले सवाल उसकी आस्था पर पड़ी चोटों के कारण पैदा हो रहे हैं, और अब की बार चोट मारने वाला ज़्यादा करीब के हैं। तो सचमुच में इतवा इस कहानी में, जो कि मुख्य पात्र है इतवा, में सशक्त होने की तड़प है। इसको रचयिता ने काफी अच्छे ढंग से दिखाया है, लेकिन उसकी राह में व्यक्तिगत तथा संरचनाओं की अनेक बाधाएं हैं। अपनी इच्छा और अपने जैसों की मदद से वह उस राह को पकड़ ही लेता है जो उसके लिए मुक्ति की राह साबित होती है। मुक्ति आजाद देश में बंधुआ मजदूरी से, मुक्ति सामंती शिकंजे से, और मुक्ति स्वयं के डर से। तो इस कहानी के माध्यम से मुक्ति है, आजाद देश की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति है, साथ साथ सामंती शिकंजे से मुक्ति, और स्वयं की डर से मुक्ति। तो इस कहानी को अगर हम विश्लेषण करें, तो इन बातों को महाश्वेता देवी ने दर्शाने का प्रयास किया है, या उकेरने का प्रयास किया है। मित्रों, यह कहानी आदिवासी समाज की बदहाली, उनके त्योहार, प्रकृति के साथ लड़ाई जीती में महाश्वेता वर्मा के द्वारा ये वर्णन या कथा के माध्यम से दिग्दर्शन कराया गया है। इस कहानी के माध्यम से आदिवासी समाज किस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी बाहरी जमींदारों के द्वारा शोषित हुआ है, साथ ही किस प्रकार अपनी भूखंडों को खोकर मजदूर बन गया, यह आदिवासी शिक्षा प्राप्त कर उसके शोषण से निकलना चाहता है, किंतु परिस्थितिवश वह उसमें और फंसते जाता है। इन सभी बिंदुओं का अवलोकन इसके कथाक्रम में होती है, और काफी हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म रूप से इस कथा के रचयिता ने इन सारी परिस्थितियों को दर्शाने का प्रयास किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र, जिसके नाम भी है इतवा मुंडा ने लड़ाई जीती, इतवा मुंडा है। इसके सभी बिंदुओं का अवलोकन इसके कार्यक्रम में होता है, जो कहानी का मुख्य पात्र है। इस कहानी का जो हम अवलोकन करते हैं, तो उसके द्वारा सारे सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, और जो इसका मुख्य पात्र है इतवा, उसकी कहानी वहाँ से शुरू होती है कि शुरू में ही बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है, और उसके दादा उसे पालते हैं। आदिवासियों को माता पिता का देहांत होने के बाद काफ़ी कष्टकारक हो जाता है, और दादा उसे पालते हैं। आदिवासियों को उनसे बहुत उम्मीद भी है। इतवा अपने
समाज से संबंधित बहुत सी बातों को जानना चाहता है, क्योंकि वो प्रखर बुद्धि का शुरू से ही है। और वह अपने दादा से, कभी अध्यापक से, कभी किसी और से पढ़ना चाहता है, किंतु परिस्थिति एवं जमींदार मोती बाबू उससे वही कराना चाहता है जो उसके पूर्वज किया करते थे। किंतु बदलते समय, इतवा एवं उसके दृढ़ इच्छा शक्ति ने इतवा की लड़ाई को जीत पाया। और सचमुच में जैसा कि उस कहानी में जो मुख्य हम कह सकते हैं कि जमींदार हैं मोती बाबू के प्रति मंगल के इन दृढ़ इच्छा शक्ति, ये मंगल उसके दादा थे, आज इतवा लड़ाई को जीत जाता है। और उसके साथ ये पंक्ति है, इतवा अब काम नहीं करेगा, वह पढ़ने जाने लगा है, हवा बदल गई है बाबू, जंगल ही अब एक हो गए हैं। सचमुच में ये उस पात्र का जो इतवा है, उस कहानी के माध्यम से, इस कहानी की रचयिता महाश्वेता देवी ने उसकी दृढ़ इच्छा, या हम कह सकते हैं परंपरागत जो जमींदार के यहाँ काम करते आए हैं, और उसके पिता के मरने के बाद जो दादा उसको पढ़ाने के लिए भेजते हैं, स्वयं उनके यहाँ काम करने जाते हैं, लेकिन एक बार जब वो बीमार पड़ गए और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, तो वो उनके कार्यों को कुछ दिनों के लिए चलाया, लेकिन जब वो आ गए तो पुनः वो विद्यालय जाने लगा, और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते वो शिक्षा प्राप्त किया, और फिर जो समाज परंपरागत समाज थी, उस परंपरागत समाज में बहुत बड़ा बदलाव लाया। सचमुच में मित्रों, इनको अगर सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया जाए इस कहानी को, तो इसमें बाल मनोविज्ञान के साथ उन बालकों की जो इच्छा शक्ति दबी रह जाती है, और विशेषकर उस समाज की जो समाज ही दबा कुचा है और समाज ही काफ़ी नीचे है, तो वहाँ के बच्चों की भी मानसिक स्थिति उसी तरह से होगी। इन सारी बातों को इस कहानी के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है। सचमुच मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।